अनिल कपूर के टीवी डेब्यू सीरियल 24 की हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर पराग छापेकर ने अनिल कपूर से उनके शो के बारे में की है खास बातचीत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मतलब आप एक ऐसे स्टार हैं कि जो आप करते हैं बड़ा सोच विचार के, एक एक चीज उस पर गहन विचार विमर्श के बात करते हैं। तो आपने टेलीविजन पे आने का जब फैसला किया तो निश्चित तौर पर आपके जहन में काफी सारा थॉट प्रोसेस रहा होगा उसके पीछे। हाँ, ये सोच और ये थॉट प्रोसेस और ये विचार मेरे ख्याल से जब मैंने अंग्रेजी 24 किया था अमेरिका में, उस वो सब विचार कर चुका था। तो इस वक्त जब मैंने हिंदुस्तान में जब 24 करने का फैसला किया तो ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने फैसला उसी वक्त कर लिया था कि भैया मैं अगर टेलीविजन करूंगा तो 24 करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो जब मैंने उसमें काम करना शुरू किया, जब मैंने उन लोगों से मिला, उनके काम करने का तरीका सब देखा, तो मैंने बोला ये तो हिंदुस्तान में इसे लाना ही पड़ेगा। और निश्चित तौर पे ऐसा फॉर्मेट जिसमें इतनी प्रिसीजन की जरूरत है, वो आप खुद प्रोड्यूस करें, वो ज्यादा बेहतर था। हाँ, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि उसका जो पूरा लुक है, उसके एस्थेटिक्स जो हैं, उसका जो परफॉर्मेंस का जो लेवल है, उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वो कंट्रोल मुझे अपने पास रखना, वो कंट्रोल रखना बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका मुझ पर विश्वास था। आपने इतना लंबा फिल्मी सफर है आपका, टेलीविजन का पहला मौका है, क्या लगता है ये दोनों मीडियम का फर्क क्या लगता है? कोई फर्क नहीं है। जो कलाकार होता है, जो क्रिएटर होता है, जो राइटर होता है, अगर आप कहेंगे कुछ सालों के बाद टेलीविजन को बोलेंगे यार टेलीविजन क्या है, और होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि देखो जी, आज की युवा जो है वो टेलीविजन देखना ही बंद कर दिया उन्होंने। वो सिर्फ इंटरनेट पे है, वो सिर्फ टेलीफोन्स पे है, मोबाइल पे उन्हें सब देखने को मिल जाता है, टेलीविजन देखते ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे आपने ये टेलीफोन पे काम करने का कब शुरू किया आपने? ये होने वाला है 3-4 साल के बाद मुझसे पूछने वाला है। आपने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, आपने टेलीविजन पे काम करना, आजकल टेलीफोन पे काम कर रहे हैं आजकल, ये होगा। और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हैं और ये आप मुझसे ही पूछेंगे कि टेलीफोन पे आपके काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या बात है? और ये होने वाला है। बिल्कुल सही है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पूरी शिद्दत से काम किया। वैसे भी 24 आपका जो है लकी फिगर है, आपका बर्थडे भी 24 को ही आता है, बहुत जल्दी आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि शो के धमाकेदार, जिस तरह से आपकी फिल्मों को लोगों ने पसंद किया, वैसे धमाकेदार पसंदगी शो को लेकर भी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके बर्थडे का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू।